प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल से यशायाह की पुस्तक से आपके भविष्य के लिए परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर आई हूँ। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि यहाँ यहोवा परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता पर यरूशलेम का महिमामय भविष्य प्रकट करता है, जो अब परमेश्वर उनकी उजड़ी हुई अवस्था के पश्चात उन्हें देने पर था। इस पूरी पुस्तक की भविष्यवाणियों को हम अपने जीवनों में भी स्वीकार करेंगे। ध्यानपूर्वक तथा विश्वास के साथ स्वीकार करें, परमेश्वर यह आपके लिए भी कहता है। यहाँ यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। सर्वप्रथम हम इस तेजोमय आशीष को अपने जीवनों में स्वीकार करें कि प्रभु हम हारे हुओं से, हम टूटे मन वालों से कहता है कि उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। और वह कहता है कि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मेरे प्रियो, जिस किसी मनुष्य पर यहोवा का तेज अर्थात उसका अभिषेक आएगा, तो सोचो वह मनुष्य कैसा आशीषित और फलवंत होगा। उसका आशीष मनुष्य को फिर टूटने व बिखरने से बचाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार जब हम किसी टूटी हुई अवस्था में हो या किसी गहरे संकट में हो, तो परमेश्वर हमसे हमारी निर्बल अवस्था में आकर मिलता है तथा कहता है कि निराश ना हो, हार मत, तेरा जीवन समाप्त नहीं हुआ। वरन वह कहता है कि उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया। अर्थात परमेश्वर उस मनुष्य को निर्बलता में से निकालने आया है। हमें भी अपने जीवनों में इसे स्वीकार करना है। उसका वायदा हमारे लिए भी यही है कि हम निराश ना हो। तब वह आगे कहता है कि देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और वह कहता है कि जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। कैसी अद्भुत और आशीषित भविष्यवाणी यहोवा परमेश्वर हमारे लिए करता है कि पृथ्वी पर अंधियारा है। आज आप देख सकते हैं मेरे प्रियो कि पृथ्वी के संसारिक मनुष्य कैसे अंधियारे में पड़े हैं, कैसी निराशाओं में पड़े हैं। बहुत तो अपने जीवनों को समाप्त करने के विषय में सोचते हैं, परंतु हम विश्वासियों से परमेश्वर यह कहता है कि तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय होगा और तेरे सारे अंधियारे मिट जाएंगे तथा अंधकार की अवस्था में पड़े लोग, निराशा की अवस्था में पड़े लोग तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे। ऐसा वायदा हमारा परमेश्वर हमसे करता है। वह हमारे अंधियारे जीवन में एक उत्तम प्रकाश देने का वायदा करता है, जिससे हमारी उजड़ी हुई अवस्था में फिर से प्रकाश आ जाए और हम दूसरों के जीवनों में भी वह प्रकाश फैलाएं। मेरे प्रियो, ध्यान रखें कि परमेश्वर टूटे हुओं को फिर से बनाने की सामर्थ्य रखता है। वह टूटी हुई अवस्था को फिर से खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। वे निराशा में आशा तथा अंधकार में प्रकाश देने की आशा रखता है। और उसका वचन कहता है 41 के 10 में कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताप, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। इसे स्वीकार करें तथा ग्रहण करें इस वचन को कि परमेश्वर आपसे क्या वायदा करता है। वह कहता है कि मत डर। यह शब्द मत डर बाइबल की पुस्तक में सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है। कुछ परमेश्वर के दास इसकी गिनती भी बताते हैं, परंतु हम अनुमान नहीं लगा सकते, परंतु विश्वास करते हैं कि सबसे अधिक बार परमेश्वर ने इस शब्द का प्रयोग किया है कि मत डर। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में संभालने के योग्य है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, वह हमसे वायदा करता है कि वह हमें हर परिस्थिति में दृढ़ करेगा तथा संभाले रहेगा।
तो इस वचन को आप थामे रहें तथा एक आशीषित और उज्जवल भविष्य में प्रवेश करें और अपनी निराशाओं को, अपने दुखों को अपने परमेश्वर को दें, क्योंकि वह हमें प्रकाशमान होने की आशीष प्रदान करता है। और परमेश्वर कहता है 41 के 13वें वचन में कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। फिर से एक बार परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मत डर। क्यों परमेश्वर ने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया कि मत डर? क्योंकि भाइयों बहनों, आज बहुत से विश्वासी जन परमेश्वर पर विश्वास करके भी अपनी कुछ परिस्थितियों में डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने भविष्य के लिए डरना नहीं है, क्योंकि यहोवा का वायदा है हमसे तथा हमारे भविष्य से कि वह अपने हाथ से हमें संभाले रहेगा और सदा हमारी सहायता करता रहेगा। तो फिर कैसी चिंता और कैसा डर? मेरे प्रियो, यह वायदा किसी संसार के मनुष्य का नहीं है, यह वायदा है हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। जब वह हमारे भविष्य को संभालने का हमसे वायदा करता है, तो फिर हम क्यों डरें, क्यों घबराएं, वरन उस पर अपना विश्वास रखें तथा अपनी सभी कठिन परिस्थितियों में इन वचनों को थामे रहें और अपने मुख से सदा अंगीकार भी करें, क्योंकि आपके विश्वास से आप अपनी निर्बलताओं से बाहर आ पाएंगे। आगे परमेश्वर का वायदा है हमारे भविष्य के लिए, अध्याय 43 के 1 और 2 वचन में, जहां लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर जाए, तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। क्या अद्भुत वायदा परमेश्वर हमारे भविष्य के लिए तथा वर्तमान के लिए भी हमसे करता है। एक बार फिर से यह कहकर कि मत डर, यह वह सामर्थी वर्ड है जिसे आज हमें अपने जीवनों में स्वीकार करने की आवश्यकता है। वह हमें फिर से कहता है कि मत डर, परमेश्वर ने तुझे नाम लेकर बुला लिया है तथा वह कहता है कि तू परमेश्वर का प्रियजन है। मेरे प्रियो, वह आपको आपके नाम से जानता है तथा उसने आपको आपके ही नाम से अपनी निज संतान करके बुला लिया है, और आपकी हर परिस्थिति में वह आपके साथ साथ है। चाहे आंधी और तूफान ही क्यों ना आपको घेर ले, परंतु वह आपकी कुछ हानि ना कर पाएंगे, क्योंकि वह पानी के तेज लहरों से, बाढ़ों से तथा आग की लौ से भी आपको निकालने में सामर्थी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इन वायदों को स्मरण रखें और अपनी हर डिफिकल्ट सिचुएशंस में हारे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि वचन कहता है जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी फिर कौन हो सकता है। अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर प्रबल ना होने दें, वरन उन परिस्थितियों पर पाँव रखकर चलने वाले बने, क्योंकि मेरे प्रियो, यहोवा आपकी ओर है, आपकी परिस्थितियों की ओर नहीं। वह आपको किसी भी संकट में छोड़ेगा नहीं, वरन संभाल लेगा। आगे वचन 5 में वह फिर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से इकट्ठा करूँगा। यह है परमेश्वर का वायदा आपके और आपके वंश के भविष्य के लिए, कि वह आपके उजड़े हुए, भटके हुए घराने को भी इकट्ठा कर आपके पास ले आएगा तथा आशीष का वंश बनाएगा। इसे आप विश्वास पूर्वक स्वीकार करें तथा आशाहीन नहीं, आशावादी बने। आगे परमेश्वर आपसे कहता है वचन 43 के 18 और 19 में कि अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। और वह कहता है कि देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। हालेलुया। यहाँ इस वचन में परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अपनी बीती बातों को तथा अपने पुराने दुखों को स्मरण ना करें तथा उन परिस्थितियों से बाहर आएं, और वह कहता है कि एक नई बात वह हमारे लिए प्रकट करने पर है। तो क्या उस नई बात से हम अनजान रहे? नहीं, हमें उस नई वाचा को जो परमेश्वर हमारे लिए करने पर है, हमें विश्वास करना है
तथा अपने जीवनों में स्वीकार करना है और अपने सभी पुराने दुखों को, पुरानी पीड़ाओं को भूलना है और एक नई वाचा की दुनिया में प्रवेश करना है, जिसमें कि परमेश्वर हमारे लिए जंगल से भी एक मार्ग निकालता है और निर्जल भूमि पर भी वर्षा करता है। यही है हमारा आशीषित तथा उज्जवल भविष्य, जिसे देने का वायदा यहोवा परमेश्वर ने हमसे किया है। वह फिर कहता है अध्याय 44 के 3 वचन में कि क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उडेलूंगा। हालेलुया, यह है प्रॉमिसेस हमारे तथा हमारी संतानों के भविष्य के लिए हमारे परमेश्वर का हमसे, कि वह हमारी सूखी और मरी हुई अवस्था में भी जीवन की धाराएं बहाएगा और अपनी आत्मा से, अपनी शांति से हमें भरेगा। तो अब कैसा भविष्य का डर तथा चिंता। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मत डर और उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। यही परमेश्वर का प्रकाश और उसका तेज जो आज हमें अपनी निर्बलताओं में से, अपनी चिंताओं में से, अपनी बुराइयों में से, अपने अंधियारे जीवन से उठने को कहता है, अर्थात बाहर आने को कहता है कि अब हमें और इन परिस्थितियों में रहने की आवश्यकता नहीं और हमें संकटों में, दुखों में पड़े रहने की आवश्यकता नहीं। हमारा प्रकाश आ गया है। अब वह कहता है कि हमारी परिस्थितियां अब पहले जैसी नहीं रहेंगी। वह हमारी निर्जल भूमि पर मेह बरसाने और हमें अपनी आत्मा से भरने आ गया है और वह हर बार कहता है कि मत डर। तो मेरे प्रियो, इस वायदों को, इस शब्दों को आदर करें और अपने डरों से, अपनी चिंताओं से बाहर आएं। जिस प्रकार परमेश्वर आपसे कहता है, उसी प्रकार वह आपके भविष्य के लिए करेगा भी। उसका हर एक वायदा सच्चा है, झूठा नहीं। अब आपके उठने का समय आ गया है, आपके प्रकाशमान होने का समय आ गया है। आप अपनी निर्बल परिस्थितियों में पड़े ना रहें, वरन उठकर अपने नए जीवन में, उज्जवल भविष्य में परमेश्वर के वायदों के अनुसार प्रवेश करें। वह कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। जब हमने उस सच्चे परमेश्वर को जान लिया है, तो फिर क्यों हम अंधियारों में अपना जीवन बिताएं? क्यों फिर अपने भविष्य की चिंता करें? जिसने चोंच दी है, वह उसका दाना भी अवश्य देगा। कल की चिंता ना करें मेरे प्रियो, कल अपनी चिंता आप कर लेगा। आप आज में उसके प्रकाश में जिए तथा अंधियारे से बाहर आए, क्योंकि यहोवा का तेज आज आप पर उदय हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वैसे तो बाइबल भरी पड़ी है परमेश्वर के वायदों से, परंतु आज मैं केवल आपके लिए यशायाह की पुस्तक से कुछ भविष्य के सुंदर वचनों को लेकर आई हूँ और आपसे अनुरोध करूँगी कि आप यशायाह की पूरी पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें आपके लिए परमेश्वर ने बहुत सी भविष्यवाणियाँ की हैं। प्रभु आपको आशीष करें। आशा करती हूँ कि आप अब इन वचनों के द्वारा अपने अंधियारे जीवन से बाहर आएंगे तथा एक उज्जवल भविष्य में प्रवेश करेंगे एक नए प्रकाश के साथ। हालेलुया। आशा करती हूँ इस उज्जवल भविष्यवाणियों को आपने अपने जीवन में स्वीकार किया होगा। पवित्र आत्मा आपको अपनी परिपूर्णता से सदा भरता रहे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।